हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यूपी जो लेखपाल की भर्ती हैं वो जो होने वाली हैं, तो ये कब तक हो सकती हैं या कैसे हो सकती हैं, इनको कौन कराएगा और किसके द्वारा की जाएंगी। ये यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होंगी या राजस्व विभाग के द्वारा कराई जाएंगी, क्योंकि अभी तक जो भर्तियाँ हैं वो अभी तक जो है वो राजस्व विभाग के द्वारा ही कराई जा रही थी, लेकिन अब ये भर्तियां किसके द्वारा कराई जाएंगी, कौन कराएगा, तो इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं इन भर्तियों से रिलेटेड कि कैसे होंगी, क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको यहां पर डिस्कस किया गया है इस न्यूज़ आर्टिकल में कि किन दिक्कतों की वजह से ये भर्तियाँ अभी ठप चल रही हैं और इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है और ये भर्तियाँ अभी तक आ नहीं रही हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको, डिस्कस करते हैं इस बारे में और थोड़ा सा पढ़कर जाने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न इसमें है दिए गए हैं, किसकी वजह से ये भर्तियाँ अभी लेट हैं और नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर रीज़न दिया गया है, देख सकते हैं आप, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रिक्त पदों पर भर्तियों पर जोर दे रहे हैं, लेकिन राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों की भर्तियों कौन कराए, ठीक है, इसे तय नहीं किया जा पा रहा है। अब मुख्यमंत्री के स्तर से इसका फैसला कराने की तैयारी है। दोस्तों, राजस्व जो परिषद है वो अपनी तरफ से इन भर्तियों को कराना चाहता है और जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो अपनी तरफ से इन भर्तियों को कराना चाहता है, तो इस पर अभी फैसला तय नहीं हो पाया है। तो ऐसा तय किया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री स्तर से ही तय किया जाए कि इन भर्तियों पर कौन नियुक्ति कराएगा या किसके द्वारा ये भर्तियाँ कराई जाएंगी, ऐसा इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा और यहाँ पर इस आर्टिकल को जानने की अगर हम कोशिश करें, तो गाइस थोड़ा सा और अगर जाने की कोशिश, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा है कि राजस्व विभाग में लेखपालों की करीब 5500 पद खाली हैं। पूर्व से लेखपालों की भर्ती राजस्व परिषद के निर्देशन में जिलों के कलेक्टर कराते रहे हैं, इसीलिए राजस्व परिषद के अधिकारी चाहते हैं कि वर्तमान में रिक्त पदों पर भी परिषद के स्तर से ही भर्ती कराई जाए। इसका यह तर्क भी है कि लेखपाल भर्ती में इंटरव्यू खत्म हो चुका है, ऐसे में केवल लिखित परीक्षा कराकर तेजी से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। यदि आयोग में भर्ती कराई जाएंगी तो वहां अन्य भर्तियों में व्यस्तता की वजह से पदों को भरने में अधिक समय लग सकता है। दूसरी ओर शासन के अफसरों का तर्क है कि राजस्व लेखपाल का पद समूह गा का है और समूह गा की भर्तियों के लिए सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है, ऐसे में आयोग से ही लेखपाल भर्ती कराई जानी चाहिए। आयोग में प्राथमिकता पर भर्ती कराने का आग्रह किया जा सकता है। पद विशेष की भर्ती आयोग से बाहर किए जाने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा। परिषद और अफसरों की इसी खींचतान की वजह से लेखपाल भर्ती से जुड़ी कार्यवाही ठप पड़ी है। यानी दोस्तों, जो ये खींचतान चल रही है यहाँ पर राजस्व परिषद और यूपी ट्रिपल एससी के बीच, तो इस खींचतान की वजह से ये जो भर्तियाँ हैं ये अभी तक लटकी हुई हैं और इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, ठीक है, और कोई आगे कदम बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा है। परिषद के एक अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के मंत्री भी हैं, शासन को मुख्यमंत्री के स्तर से इस संबंध में निर्णय कराना है, यानी कि अब शासन जो है मुख्यमंत्री स्तर से इस निर्णय को कराएगा कि कौन इन भर्तियों को कराए। यहाँ पर एक और आर्टिकल लिखी दिया गया है कि प्रमुख सचिव आयोग से भर्ती कराने का कर चुके हैं निर्णय, तो इसमें बताया गया कि राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती का मामला विभाग के तकनीकी प्रमुख सचिव सुरेश चंद्र के सामने आया था। उन्होंने 7 फरवरी को शासन स्तर पर राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारियों की बैठक से इस प्रकरण पर भी चर्चा की थी। उस समय लेखपाल की केवल 4000 पद खाली थे। बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्णय किया था कि लेखपालों की भर्ती के संबंध में अध्यक्ष राजस्व परिषद को पत्र भेजा जाए, ठीक है, और पत्र भेजा जाए और भर्ती की कार्यवाही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्यवाही की जाए, मगर 3 महीने बाद भी भर्ती से जुड़ी कार्यवाही अटकी हुई है। इस बीच बड़ी संख्या में लेखपाल राजस्व निरीक्षक के पदों पर पदोन्नत हुए हो चुके हैं, जिससे अब रिक्त पदों की संख्या जो है वो 5500 हो गई। सो दोस्तों, यहाँ पर ये भी इस आर्टिकल में बताया गया कि पहले ये पद 4000 थे, लेकिन बाद में जो पदोन्नति के बाद ये राजस्व जो लेखपाल के पद हैं ये जो है थोड़ा सा बढ़े हैं, यानी कि 5500 पद हो गए हैं। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में डिसीजन कोई आता है, यानी कि कौन इनको कराएगा, तो तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि ये सारे कामकाज हैं और इसमें वक्त लगता रहता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। हो सकता है कि अब मुख्यमंत्री स्तर से इसकी बात हो और मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी की जाए, तो हो सकता है ये राजस्व परिषद से भी कराई जा सकती हैं, यूपी ट्रिपल एससी से भी कराई जा सकती हैं। लेकिन अगर मेरे विचार में देखा जाए तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराई जानी चाहिए और उसके द्वारा ही कराई जाएंगी। तो दोस्तों, ये था एक न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पर ये समस्या बताई गई है और जिसकी वजह से भर्तियों में लेट है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको यही था, इन्फॉर्म करने का। सो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।